नमस्कार साथियों, आप सभी के आपके अपने चैनल रावणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर परीक्षा दोबारा कराने की मांग हाई कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी की ओर से 18 जून को जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा हुई, अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और भरतपुर से दीपक डांगर, जिन्होंने इस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में बेहतरीन तरीके से आवाज़ उठाई है, और जो बेरोजगार है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से, जिन जिन बेरोजगारों को इस भर्ती में पीड़ा हुई है उनका एक साथ दिया है, तो इन्हीं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में कंप्यूटर परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है। और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस दिन भरतपुर संभाग में मुख्यालय में यह परीक्षा कराई गई थी, उसी दिन मौसम बहुत ख़राब था और आंधी तूफान की वजह से पेपर के दौरान कई सेंटरों पर बिजली भी गुल हो गई और अंधेरा होने के कारण अभ्यर्थी अपनी ओमार सीट भी पूरी नहीं भर पाए थे। और दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर इन्होंने जिला कलेक्टर और मंत्रियों को कई बार ज्ञापन भी दिए और धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। और याचिका की पहली सुनवाई 1 अगस्त को होने वाली है और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी की निगाह 1 अगस्त को हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है कि क्या इस दिन फैसला आएगा या डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। जो रिजल्ट लगभग 5 अगस्त से पहले पहले रिजल्ट आने की भी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 अगस्त को रिजल्ट भी आने वाला है। इससे पहले क्या सुनवाई का फैसला आएगा या पेपर दोबारा होगा, इसकी अपडेट 1 अगस्त को आपको मिलने वाली है। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी जितने भी अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल रामायण आपसे ज़रूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।